आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको क्वेश्चन दिया है कि 5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इन दोनों संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको एक संख्या दी है 5/4 और दूसरी संख्या दी हमको -1/6 और इन दोनों के ठीक बीच की हमको एक संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या जो हमने मान लिया है कि ये एक्स है। तो जब भी हमको किन्हीं भी दो संख्याओं के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है ना, परिमेय संख्या, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। जैसे कि मान लो कि ये 5/4 को हमने मान लिया a और -1/6 को मान लिया हमने b, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a+b/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले हम a+b का मान निकाल लेते हैं। a+b बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 धन -1/6, क्योंकि 5/4 में जोड़ा हमने -1/6। अब यहां से इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 धन का गुणा -1/6 से होगा, तो ये हो जाएगा -1/6। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब धन का गुणा किसी ऋण की संख्या से होता है तो वो ऋण ही आता है, इसलिए ये धन का गुणा -1/6 से होगा तो -1/6 आया। अब इसको हल करने के लिए हमको 4 और 6 के लघुत्तम की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने 4 और 6 का लघुत्तम ले लेते हैं। 2 से भाग जाएगा तो 2 × 4 और 2 × 6, फिर से 2 से जाएगा तो 2 × 1 = 2 और ये 3, अब जाएगा 3 का तो ये 1 बार चला गया। यहां से हमको एलसीएम मिल गया 2 × 2 × 3, तो ये हो गया 2 × 4 और 4 × 3 = 12, एलसीएम मिल गया हमको 12। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो ये हमने इसका एलसीएम लिख लिया 12। अब 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आ गया हमारे पास 15 ऋण 6 का भाग 12 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 आ गया। अब 15 में से 2 गए तो बचे हमारे पास 13 और इसके बटे में हमने लिख दिया 12। अब ये मान आया हमारे a+b का, हमको क्या करना है, ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, यानी कि a+b/2 निकालना हमको। तो यहां से a+b/2 का मान क्या हो जाएगा, a+b का मान है 13/12 और इसके बटे में हमने 2 लिख दिया, 2 से भाग लगाना है इसलिए। अब इसके बटे में हम 1 लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 13/12 और 1/2 का 2/1 का गुणित होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहां से कुछ संख्याएं कट रही होगी तो काट देंगे, नहीं कट रही होगी तो गुणा करके लिख देंगे, तो ये कट नहीं रही है तो हम डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे। 13 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 13 और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 24। तो यहां से हमको a+b/2 यानी कि x का मान मिल जाएगा 13/24, ये हमारे इन दोनों के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।